सो हेलो नमस्ते सलाम और सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानिस्तान 2.0 पर। गाइज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज शेयर करने वाला हूँ। आपको बताना चाहूंगा गाइज, आमिर सिद्दीकी अभी कल रात को इंस्टाग्राम पर आए थे लाइव और उन्होंने जो है एक बहुत ही दर्दनाक स्टोरी अपने लाइव सेशन में उन्होंने शेयर करी। तो उसमें वो बताते हैं कि जो है एक 24 साल का लड़का जो है 6 साल की लड़की का वहां पर जहां वो रहते हैं उनका रेप कर दिया है। और इस चीज के ऊपर जो है गाइज, मीडिया बोल लो या पॉलिटिशियन बोल लो या पुलिस ऑफिसर बोल लो, कोई भी जो है इस चीज के ऊपर बिल्कुल भी कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है, कोई मदद नहीं मिल पा रही है। और लड़की के जो माँ बाप हैं, उनके जो घर वाले हैं, वो बहुत ज्यादा परेशानी में हैं। तो गाइस इस पूरे वीडियो में से मैं आपको एक छोटा सा पार्ट प्ले करके दिखाता हूँ, आप भी देखिए कि आमिर सिद्दीकी क्या कहना चाहते हैं इस चीज से रिलेटेड। गाइस आज का इशू इज वेरी क्रिटिकल, क्योंकि ये अभी जस्ट मतलब हम लोग कहीं बाहर से अपने घर आ रहे थे एंड हम लोग जो एरिया में रहते हैं, बेसिकली मैं जहाँ पे रहता हूँ दिस इज अंधेरी बहराम बाग, और आते वक्त हम लोग ने देखा रोड पे बहुत सारी भीड़ जमी हुई थी। तो पुलिस वाले लोग थे, पॉलिटिशियंस खड़े थे, लोग बहुत सारे फ़ोन और कैमराज निकाल के खड़े हुए थे। और फिर मैंने रिक्शा वाले को बोला कि रिक्शा ज़रा साइड में लगाओ, पूछना है मेरे को कि क्या हुआ यहाँ पे। और मैंने उससे पूछा कि ज़ुबैर यहाँ पे क्या हुआ, उससे नाम पूछा, मैंने बोला भाई यहाँ पे क्या हुआ। तो ज़ुबैर ने मेरे को बताया कि भाई आज सुबह जो एरिया में हम लोग रहते हैं यहीं पे बाजू में मेरे बिल्डिंग के नीचे, वो अभी 5 मिनट्स डिस्टेंस है मतलब मेरे बिल्डिंग से, उसने बताया कि भाई आज सुबह जो चाली है बहराम बाग में वहाँ पे एक 6 साल की बच्ची का रेप हुआ। अब मैं वो इंसिडेंट आपको बताता हूँ पूरा कि क्या हुआ। एक 2 स्टोरेज मतलब ऐसा वो घर रहता है रहने के लिए, तो जो मेन घर जिसका था उसने रेंट पे अपना ऊपर का फ्लोर दिया किसी को रहने के लिए। तो उसमें ना एक 6 साल की बच्ची थी, तो बच्ची हमेशा खेलने के लिए नीचे जाती थी। तो क्या हुआ, जो मेन घर का मालक है उसका जो बच्चा है जो कि कुछ 23 या 24 ईयर्स ओल्ड है और वो फार्मास्यूटिकल की पढ़ाई कर रहा है, फार्मासिस्ट है वो या पढ़ाई कर रहा है चीज़ की, उसने वो 6 साल की बच्ची का रेप किया। अभी मैं न्यूज़ पे गूगल पे सर्च कर रहा हूँ कुछ भी नहीं, एक न्यूज़ आ रही है हार्डली, यूट्यूब पे सर्च कर रहा हूँ कुछ भी नहीं। मैं आई वांट कि आप लोग सब लोग अपने ये जो लाइव है उसको अपने प्रोफाइल्स पे शेयर करो, सो दैट लोगों को मालूम पड़े कि ये चीज़ हुई। बिकॉज मैंने सुबह 12 बजे अगर ये चीज़ हुई है, सुबह हुई है आज, और अभी तक कोई गूगल पे कोई न्यूज़ नहीं प्रॉपर, किधर भी सोशल मीडिया पे कुछ भी नहीं, पुलिस वाले लोग बोल रहे कि हमने अरेस्ट कर लिया। और अगर ये जनता सवाल उठाएगी तो सबको उस लड़की को जस्टिस मिलेगा। अभी तो ये मैटर पता नहीं कहां तक जाएगा क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि मैंने सर्च किया एक न्यूज नहीं, ना यूट्यूब पे ना गूगल पे ना इंस्टाग्राम पे, कहीं पे किसी को पता ही नहीं क्या हुआ है। नो, वहां पे कोई मीडिया नहीं है। नहीं, अपने मीडिया वाले तो किस चीज में बिजी है मालूम है, कि कोविड हो गया है, कोविड में कौन किधर आ रहा है, कितना ऑक्सीजन सिलेंडर आ रहा है, किधर से क्या हो रहा है, इम्पोर्टेंट है जो भी मोदी चाचा किधर है, क्या कर रहे हैं, बाकी पॉलिटिशियंस को सेलिब्रिटीज को कोविड हो गया, सेलिब्रिटी ने क्या खाया सुबह, सेलिब्रिटी ने हगा नहीं हगा, ये शेयर करने का है। मेरे को नहीं फर्क पड़ता है कि पुलिस वाले लोग क्या करने वाले हैं आगे, पॉलिटिशियंस क्या करने वाले हैं। मेरा बस इतना बोलना है कि वी एज अ पब्लिक, कल हमारी बहन है, हमारी दोस्त है, हमारी गर्लफ्रेंड है, हमारी वाइफ है, या हमारे एरिया के बच्चे आजू बाजू के नेबर्स है, बहन भाई सब है इधर, अगर कल को उनके साथ कुछ हो गया तो अपन क्या करेंगे। तो इसके पहले वी शुड हैव समथिंग, अगर अपने एरिया में हुआ है ना अंधेरी बहराम बाग में ये, तो अपने लोग अब क्या जो लोग बोलेंगे वो होना चाहिए, डायरेक्ट फांसी दे देने का, एक न्यूज वाला नहीं, एक मीडिया वाला नहीं। और हाँ गाइस, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए गाइस, ताकि जब भी कोई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।